ये इस सीरीज़ के वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा यूज़र इंटरफेस और अचीवमेंट के बारे में बताया है, वो मैं ऊपर कार्ड और आईकॉन में डाल दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाके देख लेना। और भाई मुझे ज़ुकाम है तो कभी कभी खांसी हो जाता है, तो मैं थोड़ा लड़खड़ा जाता हूँ। पबजी मोबाइल 0.9.0 में बहुत सारा न्यू फीचर ऐड किया गया है, तो मैं पहला शायद ऐसा शख्स हूँ जो कि ये वीडियो बना रहा हूँ हिंदी में। और भी वीडियो अवेलेबल हैं लेकिन वो इंग्लिश में, लेकिन हिंदी वाला मेरा पहला वीडियो है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि न्यू ऑप्शन जो आया हुआ है वो एक पिक के ऊपर है, और ये आप इसको पिन करते हैं किसके ऊपर है, और दूसरा जो कि है ये पिक एंड फायर वाला है। आप मेरे फिंगर का पॉइंटर देख पा रहे होंगे तो इसे आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह से टैप कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन जो ये है आपको यहाँ दिख रहा होगा, पहले मैं इसे टैप पे करता हूँ, शुरू से समझाता हूँ। ये लीन वाला ऑप्शन है और ये एडीएस स्कोपिंग वाला ये ऑप्शन है, और ये पिक एंड फायर का लीन होने का ऑप्शन है। तो मैं आपको बताता हूँ ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। पहला तो आपको ये दो ऑप्शन आपको चाइनीज़ में दिख रहे होंगे, मैं उसका भी यूज़ बताऊँगा, और ये भी चाइनीज़ में है तो मैं आपको भी बताता हूँ, समझाता हूँ या आखिर है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं लीन ऑप्शन की। यहाँ पे दो चाइनीज़ में है। पहला टैप तो हम सब जानते हैं कि अगर आपको पिक होना है तो आप एक बार टैप करो, देखो एक बार टैप करो तो आप पिक हो जाओगे, और दोबारा टैप करो तो आप पिक आउट हो जाओगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब तक आप इसको प्रेस करके रखोगे तब तक ये पिक रहेगा, और फिर छोड़ दोगे तो फिर ये नॉर्मल आ जाएगा। मैं उंगली रखे हुआ हूँ पिक वाले ऑप्शन पर, ये नॉर्मल है, इसको आप छोड़ो तो ये फिर नॉर्मल हो गया, देखो। और तीसरा ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये एक तरह का गेस्चर है। ये काम कैसे करता है बताता हूँ। अगर आप इसको एक बार टैप करते हो तो ये पिक किया हुआ है, ओके, लेकिन आप अगर क्लो होल्ड यूज़ करते हो और अगर आप इसको एक सेकंड से ज़्यादा पिक करके रखते हो, टैप करके रखते हो, तो ये इस तरह काम करता है कि अब मैं जब बटन छोड़ूंगा तो ये फिर नॉर्मल हो जाएगा। मतलब आप दोनों ही चीज़ एक साथ यूज़ कर सकते हैं। आप एक बार टैप कर दिए तो आप पिक रहोगे, और अगर आप एक बार मतलब फिर से आपको पिक आउट होने के लिए टैप करना होगा, और अगर एक सेकंड से ज़्यादा आप पिक करके रखोगे तो देखो, फिर मैं अभी उंगली हटा रहा हूँ यहाँ से, देखो ये नॉर्मल हो गया। तो ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको बताता हूँ ये दूसरा ऑप्शन क्या है। ये एक स्कोप इन वाला ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जब टैप पे ये कैसा काम करता है। अभी टैप वाला है, इस पर क्लिक करो तो ये स्कोप इन करता है, ओके। और दूसरा ऑप्शन जो कि हमारा यहाँ, ये कैसे वर्क करता है, आप जब तक इसको प्रेस करके रखोगे ये वाला ऑप्शन को, स्कोप इन वाला ऑप्शन को, ये अंदर मतलब स्कोप व्यू से देखेगा, और जैसे ही छोड़ोगे, रिलीज़ करोगे उस ऑप्शन को, तो ये फिर नॉर्मल वापस आ जाएगा। देखो अभी मैं प्रेस किया हुआ हूँ तो है, छोड़े तो नॉर्मल आ गया। अब तीसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ ये है क्या, ये वाला एग्जैक्ट, ये ऑप्शन, ये इससे मैं ट्रांसलेट तो नहीं कर सकता लेकिन इसका यूज़ क्या होता है वो तो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। अब देखो, अगर आप एक बार टैप कर दो तो ये स्कोप इन किया हुआ है, फिर दूसरा से इसको आउट करने के लिए आपको फिर से टैप करना होगा, और अगर आप इसको टैप करके ही रखते हो एक सेकंड से ज़्यादा तो फिर जब आप इसको छोड़ते हो तो ये ऑटोमेटिक स्कोप आउट कर देता है। मतलब आप यहाँ पे दोनों यूज़ कर सकते हो। अगर आप होल्ड करके रखते हो तो ये जब तक आप होल्ड करके रखे हो ये अंदर देखता रहेगा स्कोप से, ओके। आप जैसे रिलीज़ करते हो बटन को, ये स्कोप आउट कर देगा, और अगर आपको ये नहीं चाहिए आप एक बार बस टैप करो और ये इसको पिन कर किया हुआ है। आप उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा ये कैसे काम। M762 में कुछ न्यू ऑप्शन आया हुआ है जो कि आपको पहली बार किसी गन में देखने को मिलेगा। इसमें तीनों मोड हैं फायर करने के लिए। पहला तो ऑटो मोड है, आप बस प्रेस करके रखो और ये फायर करता रहेगा। दूसरा मोड है सिंगल, बार बार टैप करना पड़ेगा अलग अलग बार फायर करने के लिए। और तीसरा मोड है बस्ट मोड, तो इसमें अगर आप एक बार टैप करते हो तो बस तीन गोली ही फायर करता है। ऑटो फिर देख लो, ये है ऑटो मोड और ये है सिंगल मोड। अब मैं यहाँ पे आपको एक और न्यू ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ। ये ऑप्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत लोगों का हेल्प करेगा जो कि स्नाइपिंग करते हैं नॉर्मल राइफल से ही, और जो मतलब अच्छा खेलते हैं उनको ये तो बहुत काम करेगा। ये देखो, ये चाइनीज़ वाला यहाँ कुछ आपको दिख रहा होगा, इसे मैं इनेबल करता हूँ और देखते हैं इससे एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल गया है, ये वाला। अब होता क्या है कि आप देखो, मेरे पास दो स्कोप है, एक M762 में 4x स्कोप है और एक M में 2x स्कोप है।
अगर मुझे कभी ये चेंज करना होगा तो मैं इस पर एक बार टैप करूँगा और देखो ये चेंज हो गया। M762 में 2x स्कोप आ गया और AKM में 4x स्कोप चला गया। और फिर से अगर आपको इसको स्विच करना है तो देखो, मतलब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे 2 स्कोप दिया हुआ है। आप अभी मैं M762 चूज़ किया हुआ हूँ, अभी मैं उसे सेलेक्ट किया हुआ हूँ यहाँ पे, तो वो मतलब इनेबल यहाँ पे शो कर रहा है, येलो वाले में शो कर रहा है। अब इसमें मैं करंट ये 2x स्कोप लगाना चाहता हूँ तो मैं इधर सेलेक्ट कर रहा, तो ये ऐसे काम करता है। यहाँ गैरेज में आपको स्कूटर अब देखने को मिलता है। चलो मैं पहली बार ये चला रहा तो देखते हैं इसका टॉप स्पीड क्या होता है। यहाँ पे कोई भी बूस्ट का ऑप्शन नहीं है तो इसका टॉप स्पीड भी काफ़ी अच्छा है, 80 तक जा रहा है। हमें पहले भी बहुत बार प्रॉब्लम होता था कि अचानक सर्कल के बाहर हम सब आ गए हैं और फिर सर्कल के अंदर जा रहे हैं कार से, और अचानक से हमें रिवाइव करने के लिए मतलब कार रोकना पड़ा, लेकिन कार धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे अब हमें एक न्यू ऑप्शन दे दिया गया, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ब्रेक का, मतलब आप पहले कार रोकते थे या तो एक्सीलेटर को आप ये आगे बढ़ने वाला ऑप्शन को छोड़ के ये पीछे वाला ऑप्शन दबाते थे और कभी कभी ये पीछे चला जाता था। तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके आप इसे कार को आराम से रोक सकते हैं और खुद को। नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है POI के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पर कि अभी हम सब स्पॉन होते हैं वो जाने वाला है, और फिर से स्पॉन आइलैंड वाला सिस्टम आने वाला है और कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड फार्ड ऑप्शन सब आया हुआ है उसकी चर्चा करेंगे और एक छोटा सा गेम प्ले हेलोवीन सीजन में।